नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारू मोदी। तो डॉक्टर साहिब, आप बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिया, आप सब दर्शकों को भी मेरा अभिनंदन। डॉक्टर साहिबा, सर्वाइकल कैंसर, ये एक ऐसा कैंसर है जो महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है, और बात करें कि जागरूकता की कमी भी लोगों में बहुत देखी जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जागरूकता के लिए आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो साझा करें। देखिए, जैसा कि आपने कहा, जानकारी तो वाकई में बहुत कम है कैंसर सर्विक्स के बारे में या यूट्राइन कैंसर के बारे में। अर्बन महिलाओं में, यानी कि कहना चाहिए शहरी महिलाओं में, तो फिर भी इसके बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं को इसकी जानकारी बहुत ही कम है। हम समय समय पर अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं कुछ कुछ, जिससे कि अवेयरनेस बढ़े लोगों में, इसके प्रति जागरूकता बढ़े। जैसे कि हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या हम अपने टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों को बताते हैं, या पत्र जैसे कहते हैं ना, न्यूज़पेपर में फ्लैश करते हैं, ये सब चीज़ें, ताकि जानकारी बढ़े। ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत अवेयरनेस फैलाती हैं ग्रामीण महिलाओं में भी और शहरी महिलाओं में भी। एक महिला जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, उन्हें इसके बारे में किन किन चीज़ों को विशेष रूप से जान लेना चाहिए? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो हम बोलते हैं, ये पहले इसके लक्षण क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। एक महिला को, जिसे कहते हैं ना डिस्चार्ज, योनि मार्ग से स्राव होना, वो चाहे सफ़ेद रंग का हो, चाहे पीले रंग का हो, चाहे लाल रंग का हो, ये एबनॉर्मल अगर हो जाए तो ये एक सामान्य साधारण बात नहीं है, और उसमें एक तरह की बदबू आने लगे डिस्चार्ज में, या उसका कलर ही चेंज हो जाए, जैसे मैंने बताया आपको, भूरा हो जाए या गुलाबी हो जाए, लाल हो जाए, या नीचे पेड़ों में दर्द रहने लगे, या फिर आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ योनि मार्ग से कोई चीज़ बाहर आ रही है, या उसमें कोई गंदी स्मेल आ रही है। ये सब चीज़ें जो हैं, लक्षण जो हैं, हमें कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ भी प्रेरित करते हैं, ताकि हम उसके बारे में समझें, देखें और डॉक्टर से उचित सलाह लें। टीका इसमें कितना अहम रोल निभाता है? सर्वाइकल कैंसर के पहले तो टीके ही नहीं थे, अभी कुछ वर्षों से, विगत 8-10 वर्षों से इसकी वैक्सीन चली है। जैसे हम टिटनेस का टीका लगाते हैं, जो कि सबको मालूम है, एक प्रेगनेंसी में भी टिटनेस के टीके लगवाने चाहिए, कहीं चोट या कट हो जाए तो भी लोग टेटनस के टीके लगवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें टेटनस हो रही है, इसका मतलब ये है कि टेटनस ना हो, बचाव के लिए हम टीका लगाते हैं। उसी तरह कैंसर सर्विक्स प्रिवेंशन के भी आजकल टीके आ गए हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी टीके हैं और बहुत ही इनकी एफिकेसी है या इफ़ेक्टिवनेस बहुत है। आप देखा जाए इनके डोज के बारे में, तो ये दो तरह के श्रेणी में विभाजित होते हैं। एक होता है 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में या महिलाओं में, और फिर 15 वर्ष से आगे की महिलाओं में। इसके दो तरह की रिजीम्स होती हैं। 9 से अगर 14 वर्ष की श्रेणी में अगर कोई लड़की है, उसके अंदर आती है, तो उनको दो ही टीके लगते हैं कैंसर सर्विक्स प्रिवेंशन के, यानी कि एक वो अगर आज डोज लेती हैं तो 6 से 12 महीने के अंदर दूसरा टीका लगाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई 15 वर्ष या उससे ऊपर की कोई महिला है, तो उसको तीन सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन लगती हैं। 0, 2 और 6 मंथ्स उसकी रिजीम होती है, यानी कि अगर आज एक पहला टीका लगवाया तो दूसरे महीने पे सेकेंड डोज लगेगी, और 6ठे महीने पे तीसरी डोज लगेगी, जो कि बहुत ही प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये पहले नहीं था और 8-10 सालों से ही एक्टिव हुआ है, तो ऐसे में अगर बात करें कि उन महिलाओं का क्या जो सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी हैं, उनके लिए ये कैसे इनसे कैसे वो बच सकती हैं? देखिए, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के लिए तो ये और भी बहुत ज़रूरी बात है कि उनको टीका लगवाना चाहिए, स्पेशली जो मल्टीपल, जिनको, जिनके पार्टनर्स होते हैं, या जिनके खुद के पार्टनर को या खुद को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई डिजीज़ हो, जैसे कि एड्स और एचआईवी का आपने नाम सुना होगा, या बहुत ही क्रॉनिक कोई डिजीज़ हो रही हो, तो उनकी ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है उस महिला की, तो उसके बचाव के लिए, कैंसर ना हो उसके बचाव के लिए, तो ये टीके बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये एक उम्र में आगे चल के, जैसा कि आपने बताया भी था कि 15 साल और उससे भी ज़्यादा की लड़कियां लगा सकती हैं, तो क्या जो
26-27 की लड़कियां हैं वो भी इसको लगवा सकती हैं? एकदम एकदम ज़रूर लगवा सकती हैं, जैसा मैंने कहा, लेकिन उनकी डोज बदल जाएगी, उनको 3 टीके अब लेने पड़ेंगे और 14 वर्ष की उम्र से नीचे की लड़कियों को 2 ही टीके लेने पड़ते हैं। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि एक महिला या ऑलरेडी जो मैरिड फीमेल्स हैं रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, उनको ज़रूर कराना चाहिए। उसको हम बोलते हैं पैप स्मेयर स्क्रीनिंग। काफ़ी लोगों ने तो इसका नाम भी सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, इसके बारे में जानकारी लें। और ये बहुत स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब हम जो टेस्ट करें जिनसे अर्ली हमें इस बहुत शुरुआती दौर में ही इस बीमारी का पता चले, उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। तो पैप्समेयर एक ऐसा ही स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे हम कैंसर सर्विक्स का पता बहुत ही शुरुआती स्टेज में लगा सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है सर्विकल कैंसर के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिया। तो आप डॉक्टर चारू मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ सर्विकल कैंसर के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।